Hi, good morning everyone uh, welcome to newspaper analysis for today that is fourth of march 2022 अच्छा मैंने आप लोगों को एक लिंक दे दिया है यहाँ पे ठीक है जस्ट गो ऑन दैट वेबसाइट अभी आई थिंक इसके बाद लाइव हो जाएगा वो तो जो फेब्रवरी मंथ के जितने भी नोट्स हैं आपके वो सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे बाकी फेब्रवरी में बीच में हमारा uh, कुछ एनालिसिस नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ माय वेडिंग तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे इन दी स्पेशल सेशन जो मैं प्लान करूँगा uh, जो कि मैंने पोल भी कराया था आप लोगों के लिए कि वॉट ऑल वीडियोज़ यू वॉन्ट टू नेक्स्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए सो आज का मोटिवेशन कोट है टेक्स मच एनर्जी टू टू विश इट प्लान सो वो चीज़ स्टार्ट करने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए जितना उसको प्लान करने के लिए चाहिए सो स्टार्ट एंड प्लान अर्ली क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है लगती बहुत है और एग्जीक्यूट uh, करने में काफ़ी टाइम लगता है प्लानिंग टेक्स एज मच टाइम एज विशिंग फॉर इट एम गुड थैंक यू गाइज थैंक यू वन Uh, मैंने क्लास नहीं ली थी एक दो दिन से बट आज से आई विल भी रिज्यूमिंग विद माई स्पेशल क्लासेज डेफिनेटली फॉर बिकॉज कल आई वॉज ऑल्सो थिंग के मैं थोड़ा एक दिन और रेस्ट ले लेता हूँ बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स टू हैक्टिक तो साढ़े आठ बजे क्लास आज शेड्यूल कर दी है सो वी विल डेफिनेटली हैव दिस इंडियन पॉलिटी की रिविजन सीरीज uh, इसके अलावा और भी स्पेशल क्लास सीरीज जो है मैं प्लान कर रहा हूँ तो अभी लेकिन पॉलिटी प्लान करिए अलॉन्ग विद अदर करेंट इशू तो करंट अफेयर्स रिविजन हमारा चलता रहेगा अलॉन्ग विद एमसी बीच में हमारा जो फेब्रवरी मंथ में कुछ टूट गया था थोड़ा बहुत वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे इन दी स्पेशल क्लासेस बाकी वीडियो तो मैं अलग से लेके लाऊंगा ही बाकी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सत्ताईस मार्च को अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाली है सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो आपने देखा होगा पहले भी हुआ था लास्ट ईयर भी इस बार भी हो रहा है सो यू कैन एनरोल फॉर दैट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप जल्दी ज्वाइन करेंगे तो आपको अर्ली सेवन डेज़ पे यू हैव हाँ अ लकी ड्रॉ होगा जिसमें आपको यू कैन विन अप टू रुपीज़ वन लाख तक के अमेजोन वाउचर्स तो जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपको और मतलब एनरोल करने के लिए आपको सोचो प्राइज़ मिल रहा है तो और क्या चाहिए बाकी सब्सक्रिप्शन ऑफर में एटीन मंथस प्लस एंड आइकॉनिक में ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ है प्लस यूज़ द कोड डी पी एस लाइट तो ये ऑफर चल रहा है सो नाइन्टी वन थाउजेंड का प्लस पड़ेगा आपको सिक्सटी थ्री थाउजेंड का एन आइकॉनिक जो एक लाख का था वो पड़ेगा सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का इंक्लूडिंग ऑप्शनल ठीक है आप बाहर पढ़ते हो ऑफलाइन में पढ़ते हो ठीक है डेढ़ लाख तो आपकी जी एस की ही फीस है प्लस टैक्सेस प्लस ऑप्शनल का ही अराउंड फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड हो जाता है या और वो भी एक साल का होता है एक साल में भी टेक्निकली क्लासेस सात आठ महीने होती फिर आपको पता है कोई नया कोविड का भी अब आ जाता है वो फिर बंद हो जाता है खास चीज़ें होती हैं तो इन ऑफ दैट रिस्क अगर आपको हेज करना है तो आई थिंक दिस द बेस्ट वे बाकी टेस्ट सीरीज वाला जो ऑफर है ये भी चल रहा है मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो ये आप लोगों के लिए अभी डिस्काउंट जो है कर दिया है टिल फिफ्थ ऑफ मार्च ठीक है अभी ऑलरेडी लगभग साढ़े तीन हजार लोग से ज्यादा जो है ले चुके हैं टेस्ट सीरीज जो एक्सपीरियंस है ठीक है सो बाकी जो है अभी हर दिन कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई एनरोलमेंट इसमें हो रहा है एंड आर सम न्यू बैचेस जो नाइन मार्थ चालू हो रहे हैं जैसा मैंने बताया मैं आई का कोर्स लेने वाला हूँ Uh, जो न्यू कोर्स होगा आई आर का इन दिस मंथ अपार्ट फ्रॉम जोग्राफी करी रहा है वर्ल्ड मैपिंग का एंड पॉलिटिक्स बाकी और भी बैचेज है जिनको आप ज्वाइन कर सकते तो आउट ऑफ एवरी इमेज ऑफ़ द न्यूज़पेपर आई थिंक दिस इमेज स्टैंड आउट दिस इज दिंडन एयरबेस गाजियाबाद में नोएडा के पास ही है एंड यू कैन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स रिलैक्स किया कि आप अपने साथ साथ अपने पेट को भी ला सकते हो रेस्क्यू करा सकते हो आई थिंक एक तो देखो यही बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट रेस्क्यू करा रही है वैसे तो ये हर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए हर नागरिक का ये अधिकार है ठीक है ये हर नागरिक का अधिकार है और ये होना चाहिए और लेकिन उसके बावजूद भी कल मैंने देखे कुछ वीडियोस जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि सरकार ने जल्दी रेस्क्यू नहीं किया ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो वो देखिए वो जहाँ तक बातें हैं वो अपनी जगह ठीक है बट अगर हम वही बात बोलें तो बहुत सारा एडवाइजरी पहले भी इशू किया गया था लेकिन लोग नहीं निकले सही समय पर अब जब सरकार निकाल रही है तो आपको सोचना चाहिए कि भाई सी सेवेंटीन ग्लोब मास्टर ऐसा तो नहीं आ जाएगा इंडियन एयरफोर्स का आपको लेने के लिए गवर्नमेंट ही लेके आई है और बाकी कंट्रीज़ में भी जो आप जा पा रहे हो रोमेनिया में या हंगरी में विदाउट वीज़ा आपको बॉर्डर से एंट्री मिल रही वो भी आपको सोचना चाहिए कि विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल तो नहीं होगा तो ये सब चीज़ें हैं बट द बेस्ट थिंग वॉज टू सी दिस हस्की इज़ वेरी हैप्पी टू बी बैक इन इंडिया तो बेचारे को गर्मी बहुत लगेगी यहाँ पे बट बिकॉज यूक्रेन ठंडी कंट्री है जनरली आप देखोगे वहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो साइबेरियन हस्की की वहाँ पे ये ब्रीड मिलती है बट इंडिया में थोड़ा टफ हो जाता है इनके लिए बट दैट्स गुड टू सी दैट एटलीस्ट नो पेट्स वर अलाउड टू तब उनको कहाँ छोड़ते बेचारों को तो दैट्स मच हाई लाइट फॉर द डे उसके अलावा आज हम लोग एडिटोरियल देखेंगे अच्छा एडिटोरियल आया है दिस इज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स की अगर हम ई कोटे को काउंट करें तो जो आज का मेन थंबनेल इमेज भी आपने देखा होगा मैंने डाला हुआ है दैट एक नई स्टडी आई जिसने पाया कि अगर हम 90 परसेंट नॉन एस सी एस टी ओ बी सी मतलब जनरल कैटेगरी हाउस होल्ड की अगर हम बात करें और जो इस समय इनकम क्राइटेरिया बताया जा रहा है अगर हम उस इनकम क्राइटेरिया को कैलकुलेट करेंगे उस इनकम क्राइटेरिया के बेसिस बेसिस पे लगभग नाइन्टी परसेंट ऑफ दी हाउस होल्ड विल बी एलिजिबल फॉर ई डब्ल्यू एस ऐसा क्यों है इसके बारे में बात करेंगे बट कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई स्विट्जरलैंड जिसको जाना जाता है अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जंगली स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जो मीडिएटर का काम करती है बिटवीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज उसने सालों पुरानी अपनी न्यूट्रलिटी का जो स्टांस है उसको अब चेंज कर दिया है दे हैव नाउ यू नो ब्रोकन देयर 200 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड एंड ट्रेडिशन ऑफ बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल क्योंकि इन्होंने रशिया पे सैक्शन लगाए हैं आफ्टर द रिसेंट इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और ये एक बहुत बड़ी न्यूज uh, है फ्रॉम दी इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और uh, इन्होंने सैंक्शन जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रीज कर सकते हैं और वो भी आप सोचो कि स्विस uh, जो अकाउंट है उसके चक्कर में uh, जो है आप uh, देखोगे स्विस बैंक जो अकाउंट है उसके चक्कर में आप इन uh, लोगों का पैसा स्टैक्ड रहता है उस जगह uh, अगर आप देखोगे सेंक्शन लगा रहे हैं तो उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे काफी बड़ा इशू हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे की क्लास तो आने आई एल कंटिन्यू बट वो इकोनॉमी सीरीज के uh, साथ साथ करेंगे हम लोग एंड विल कंटिन्यू दैट अकॉर्डिंगली हाँ वही मैं कह रहा हूँ आई एव सीन दैट वीडियो प्रेमदा मैंने देखा वो वीडियो स्विट्जरलैंड so ने ये अपना 200 साल का जो ट्रेडिशन uh, है ठीक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का जो है इन्होंने हटा दिया है तो अब इन्होंने क्योंकि अब सैंक्शन लगा दिए तो नाउ दे आर नॉट न्यूट्रल एनी मोर अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी बैंक डेटा अगर आप देखोगे स्विस नेशनल बैंक का रशियंस एंड कंपनीज हेल्ड एसेट वर्दन मोर देन इलेवन बिलियन डॉलर इन स्विस बैंक्स बट रशिया को ऑलरेसली इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं थोड़ा बहुत तो ऑफ कॉर्स पड़ेगा बट uh, अगर आप देखेंगे कि द पॉइंट इज की uh, देशू uh, इज़ uh, is कि रशिया के पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे इधर उधर फाइनेंशियल सिस्टम में लगे हुए हमेशा आपको अलग से लेने की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये अलग प्रोडक्ट है ठीक है दिस इज़ अ सेपरेट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर तो वो आप टेस्ट सीरीज इज अ न्यू थिंग दैट हेज़ बीन लॉन्च तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है भी तो आप जो है आपको अलग से लेना पड़ेगा यू ए लाइट करके है, वो उसका ऑप्शन ही अलग आता है जब आप पेज पे जाओगे सब्सक्रिप्शन के तो वहां पे लिखा रहेगा प्लस आइकॉनिक एंड लाइट ऐसे कॉम्बो का लिंक अलग रहता है ठीक है ये डेविल यार मेरी फोटो लगा के मुझ पे ही कमेंट क्यों कर रहे हो यार जाके देख तो लो क्लासेस शेड्यूल हो गई हैं जाके देख तो लो ठीक है सो ये जो फेम न्यूट्रलिटी है इसका रीजन क्या है और मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को टेंशन मतलब नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे यूए लाइट करके एक लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो ये जो ओरिजिन है पॉलिसी की अगर आप देखेंगे ये 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है न्यूट्रलिटी का स्टैंड से 200 से लेके चल रहे हैं तो इफ़ यू गो बैक टू अनदर 300 हंड्रेड इयर्स टू द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस साइंड एट द एंड ऑफ बैटल ऑफ द मार्गिनानो इन 1515 बिटवीन किंग ऑफ फ्रांस एंड द स्विस कन्फेडरेसी डरने की कोई बात नहीं है स्विट्जरलैंड तो का जो फेडरल डिपार्टमेंट जो स्विस नागरिक है ना वो बहुत लिखे टाइप के है। तब वो क्या है? बहुत ज्यादा उनको नॉलेज वाले चीजों के अपने अच्छा बुरा सब समझते हैं और इसलिए स्विट्जरलैंड हमेशा से कभी भी ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहा ना नेटो का मेंबर रहा और वो आउटसाइड जो है यूरोपियन ऑलरेडी इतना ज्यादा आप देखोगे की जो है वेल uh, ऑफ well है उनकी स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यू नो कंट्रीज इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट एंड वहाँ की करेंसी भी बहुत स्ट्रांग है तो वहाँ के लोग बड़े पोलिटिकली न्यूट्रल रहते हैं वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं उन्हें उन्हें दूसरों के पंगों में अपना जो है ज़बरदस्ती इन्वॉल्व होने का वो इंटरेस्ट नहीं है तो so, अनटिल 2002 थाउजेंड टू इट टू स्विट्जरलैंड टू बिकम पार्ट ऑफ द यू एन आफ्टर फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन वोटेड इन फेवर यू एन के तक तो मेम्बर थे नहीं ये लोग दो हज़ार दो तक सोचो आप वर्ल्ड वॉर टू की अगर हम बात करें तो हिटलर ने स्विट्जरलैंड को मॉक किया था एज अ पिंपल ऑन द फेस ऑफ यूरोप एंड दिस प्रोपोगैंडा ऑफ मिनिस्टर यूजफ गोबेल्स रेफर्ड डिस्पेरिंगली टू हिज यू नो स्टिंग लिटिल स्टेट बिकॉज हमेशा से स्विट्जरलैंड अलग ही रहा ठीक है वो हमेशा से अलग ही रहा और द पॉलिसी वॉज ऑफ आर्म न्यूट्रलिटी पुटिंग इन प्लेस कंपलसरी मिलिट्री सर्विस वाइल कंटिन्यूंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद बोथ एंड एक्सिस तो अभी क्या चेंज हो गया है सो वी आर इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन स्विट्जरलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला इन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स रिक्वायर्ड थे इसलिए एंड द स्विस गवर्नमेंट सेट दैट रशियाज अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री अटैक ऑन अ सॉवरिन यूरोपियन कंट्री वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर जिसकी वजह से इन्होंने लगाया तो अब क्या ये हमेशा अब अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे इसके बारे में भी नहीं कह सकते बिकॉज अभी अभी के लिए तो न्यूट्रलिटी खत्म हो गई है और एक और ये चीज़ कंफर्म करता है कि स्विट्जरलैंड के लोग जो है अब ग्लोबल सिटीजन्स बन रहे हैं पहले वो अपने में ही रहते थे ठीक है पहले क्या रहते थे ये जो थे ये अपने में ही रहते थे अब क्या है दे आर नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर ग्लोबलाइज ठीक है दूसरी कंट्रीज़ के जो इशू हो रहे हैं उनको भी ये लोग अपना समझ रहे हैं तो स्विस न्यूट्रलिटी रहेगी तो फॉरेन पॉलिसी में बट डिपेंड करता है कि नाउ इट विल बी अप्लाइड ऑन अ केस टू केस बेसिस क्योंकि अब इन्होंने एक बार स्टांस चेंज कर दिया है रशिया के, के केस में तो अब ये आगे भी स्टांस चेंज करेंगे एक स्विट्जरलैंड uh, का बहुत बड़ा रोल होता था, था हमेशा एज अ मीडिएटर बिटवीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज तो अब वो कितना रहता है कितना नहीं रहता है वो अब देखने वाली बात की ठीक है चलिए अब अब आ जाते हैं हमारे मेन आर्टिकल पे जो दूसरा है दैट इज ऑन द ई डब्ल्यू एस कोटा तो ये आर्टिकल uh, लिखा गया है बेसिकली इट्स अ स्टडी विच हैज़ बिन पब्लिश्ड एंड द स्टडी कि अगर हम लोग रूरल और अर्बन हाउस होल्ड दोनों का डेटा ले लें ऑफ नॉन ओबीसी बी हाउस होल्ड्स मतलब नॉन ओबीसी नॉन एस सी नॉन एस टी मतलब जनरल कैटेगरी अगर मान ले जाए हम लोग तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्राइटेरिया है इनकम वाला वो सारा मीट कर जाएगी नाइनटी परसेंट फैमिली तो अगर आप देखोगे जनरली जो क्राइटेरिया है वो ये है दो क्राइटेरिया है द गवर्मेंट यूजेज टू क्राइटेरियाज फॉर डेफिनेशन ऑफ ई डब्ल्यू एस वन द ग्रॉस फैमिली इनकम जो सारे सोर्स से हो रहे हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो बिजनेस हो प्रोफेशन हो सब चीज़ हो वो फाइनेंशियल ईयर में आपका आठ लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए पहला तो देखो क्राइटेरिया ये है दूसरा इफ़ द फैमिली ओन्ड और पोजेस्ड एस एज सचेज फाइव और मोर एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड और रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ थाउजेंड स्क्वायर फीट मुझे भी काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि सर क्या हम ई में अप्लाई कर सकते हैं ऐसा ऐसा है। तो देखिए आपके सामने ये दो क्राइटेरिया है या तो आपकी टोटल इनकम जो है आठ लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूसरा अगर आपका फैमिली के एसेट्स हैं तो एक पाँच एकड़ से ज्यादा की जमीन है चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो रेजिडेंशियल फ्लैट हो थाउजेंड स्क्वायर फीट का या रेजिडेंशियल प्लॉट हो स्वय स्क्वायर यार्ड्स का ये अगर म्यूनिसिपैलिटी में नोटिफाई किया गया है या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट हो 200 स्क्वायर यार्ड्स का मोर का इन नॉन नोटिफाइड देन ऑफ द इनकम क्राइटेरिया आप जो है विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द दबू एसर दिस एट लाख रुपीज का जो कट ऑफ वाला चक्कर है ना ये सबसे बड़ा बवाली चक्कर है बवाली क्यों क्योंकि इसमें काफी इशूज है सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन भी मांगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द बेसिस फॉर द इनकम तो इसीलिए इन्होंने अब ये डेटा निकाला है अलग अलग जगह से पीरॉडिक फोर्स लेबर सर्वे की जो एवरेज हाउस होल्ड का इनकम है इंडिया में ऑफ नॉन एस सी एस टी एन ओ बी सी वो एक्चुअली में कितना है अगर आप उसको एक्स्ट्रा पोलेट करोगे स्टेटिस्टिकली तो क्या वो अभी भी आठ लाख के अंदर रहता है या आठ लाख के ऊपर जाता है तो जोग्राफिकल कवरेज जो ऑफ द पीरियडिक फोर्स लेबर फोर्स सर्वे इन्होंने डेटा लिया ऑफ इंटायर कंट्री एक्सेप्ट एंडमान एंड निकोबार एंड जनरली हर सेक्टर ऑफ द इकोनमी को ओवर टच करता तो मेन डेटा इनका क्या है पीएलएनएफएस है जिससे इन्होंने स्टडी करी है ठीक है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उससे इन्होंने डेटा निकाला है कुछ ठीक है ये मेन क्राइटेरिया है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है तो so, अब इन्होंने डेटा निकाला एस सी एस टी नॉन एस सी एस टी ओबीसी हाउस होल्ड का on, जो सर्वे हुआ दो हजार अठारह से दो हजार उन्नीस के बीच में कवरिंग दीज हाउस होल्ड तो बेस्ड ऑन द डेटा ऑन दी नॉन एस सी एस टी ओबीसी रूरल हाउस होल्ड एंड नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड मंथली अर्निंग ऑफ सिक्स सिक्स सेवन ये जो था ये है जो एवरेज हाउस होल्ड की अर्निंग आई है वो आई है मंथली अर्निंग इज सिक्स 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 ट्रिपल सिक्स सेवन तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इनटू टू ट्वेल्व वो कितना आ जाएगा आठ लाख रुपए आ जाएगा है, तो विच वुड ट्रांसलेट लाख एनुअली तो अगर आप ये इसको कैलकुलेट करोगे तो एवरेज हाउस होल्ड की इनकम 66 तो उस बेसिस में देखोगे तो हर हाउस होल्ड ही जो है आपका ईडब्ल्यू एस के अंदर आ जाएगा मोर ओवर द मीडियम हाउस होल्ड मंथली अर्निंग रूरल एरियाज वॉज नाइन थाउजेंड विच अबाउट सेवन टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट वॉज फिफ्टीन थाउजेंड विच ऑज अप्रोक्सिमेटली फोर टाइम्स लेस दिन अर्निंग कट ऑफ फॉर ईड्लू एस बट मान लो कि अगर हम एक्सक्लूड कर दें हाउ एवर लेट सपोज वी एक्सक्लूड दाउस होल्ड विद जीरो कुछ भी नहीं है इन दैट केस दिवीलोल्ड नाइन नाइन ऑफ रूरल हाउस होल्ड एंड नाइन्टी फोर अर्बन हाउस होल्ड एंड मंथली इनकम लेस देन सिक्स 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 अब गिवन दिस सिचुएशन इसका मतलब ये नहीं कि भाई सारा डेटा करेक्ट है बिकॉज देयर विल बी विलर विल बी अ लिमिटेशन टू इट ऑल्सो हाँ दिस इज अर्टिकल फ्रॉम दिस इज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस नॉट फ्रॉम द हिंदू अब देखो क्या इशू भी सेंसिटिव है डेटा भी सेंसिटिव है सो गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू इट इज एसेंशियल टू हाईलाइट ऑफ द डाटा फ्रॉम पी एल एन एफ एस फर्स्टली ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा का शॉर्टकमिंग है कि क्यों इसको पूरा हम फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते पहला बिकॉज डेटा इज बेस्ड ऑन द करंट वीकली स्टेटस स्टैटस एक पॉसिबिलिटी है दैट द हाउस होल्ड हैड पॉजिटिव इनकम एट अदर टाइम्स ऑफ ईयर बट नाउ अब उतनी नहीं है तो so, थोड़ा डेटा लैग से आता है तो so, डेटा थोड़ा पुराना है देयर फोर द अर्निंग डेटा इज इन अंडर एस्टिमेट टू ओवरकम द लिमिटेशन वी डिड द से एनालिसिस ऑफ इंक्लूडिंग ओनली दोज हाउस होल्ड विद पॉजिटिव अर्निंग एंड फाउंड दैट अंडरलाइंग रिजल्ट डिड नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली दैट इज मोर देन नाइंटी परसेंट ऑफ द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स ऑफ नॉन एस सी एस टी ओ बी सी हैड मंथली अर्निंग्स लेस दैन द कट ऑफ सेट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ईडब्ल्यू एस तो उन्होंने शॉर्टकमिंग को हटाने के लिए उन्होंने क्या करा कि जैसे मान लो कि डेटा डिले आ रहा था तो उन्होंने वो शॉर्टकमिंग हटाने के लिए वो डेटा चेंजेस किए ठीक है उन्होंने दूसरा एक स्टडी किया अब दो स्टडी किए उन्होंने पहले मैं उन्होंने देखा कि पीरियोडिक लेबर फॉर सर्वे से कितना आ रहा है सिक्स सिक्स सेवन इंटू ट्वेल्व करो आठ लाख से कम आ रहा है तो उसके अलावा पी एल एन एफ एस का डेटा थोड़ा क्या है कि डिले से आ रहा है तो उस वजह से उन्होंने दूसरी स्टडी करी दूसरी स्टडी में इन्होंने पाया कि अगर आप इसको हटा भी दोगे ठीक है उसमें उन्होंने क्या किया कि अगर आप जो रिसेंट डेटा उसको हटा दोगे जो डिले से डेटा आ रहा है आप उसको भी हटा दोगे उसके बावजूद भी नाइन्टी परसेंट हाउस होल्ड जो है इस क्राइटेरिया को मीट कर जाएंगे जो कि कौन से हाउस होल्ड है नॉन एस सी एस टी हाउस होल्ड नॉन एस सी एस टी ओ मतलब बेसिकली जो ई एस के अंदर चाहते हैं नॉन एस सी एस टी ओ

The primary objective was to compare the EWS cutoff for income criteria set by Government of India 8 lakh ,00 with the distribution of household monthly earning from PLFS data. Our research revealed that 90% जो है वो इसको meet कर जाएंगे। तो basically article में ज़्यादा कुछ नहीं है। Article में बस ये बताया कि आपका कि ये जो data है कहाँ से आया है, data के analysis के हिसाब से क्या चीजें हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप इसमें जो एक्सक्लूजन uh, है उसको हटा भी दोगे जीरो इनकम हाउस होल्ड भी अगर आप हटा दोगे उसके बाद भी आप देखोगे चीज़ें ये रिफ्लेक्ट करती हैं दैट नाइन्टी परसेंट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स जो नॉन एस सी एस टी ओ बी सी हैं दे विल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ एट लाख एट लाख बहुत ज़्यादा होता है अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मतलब अगर हम डेटा की बात देखें तो एट लाख उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है अगर आप क्राइटेरिया चेक करोगे तो नोटिफाइंग इन एमसी मीन्स म्युनसिपैलिटी और म्यूनसिपैलिटी के एरिया में अगर आपका घर रजिस्टर्ड है तो म्यूनसिपल एरिया वो होते हैं ना जहाँ पे थोड़ी अर्बन पॉपुलेशन होती है नहीं तो नगर पंचायत आता है फिर वो तो मतलब दैट इज द क्राइटेरिया कि वो म्युनिसिपैलिटी टाउन है मतलब अर्बन एरिया में घर है या रूरल एरिया में घर है उसके बेसिस पे बाकि uh, हर साल चार मार्च को इंडिया जो है नेशनल सेफ्टी डे मनाता है विद द गोल ऑफ रेजिंग अवेयरनेस एंड कमिटमेंट आज मैं एंड में ना कोई बहुत अच्छी न्यूज दिखाऊंगा न्यूज क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिफरेंट टाइप्स के बॉम्ब्स में क्या डिफरेंस होता है तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल स्टैब्लिश जो है द हॉलीडे टू रेज पब्लिक अवेयरनेस फॉर ऑल सेफ्टी प्रिंसिपल्स तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड टू असिस्ट इन दी जनरेशन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी नेशनल लेवल ऑफ वॉलिंटर हेल्थ मार्च फोर्थ को द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इस्टेब्लिश किया था एंड दिस ईयर जो थीम है वो है नर्चरिंग यंग माइंड एंड डेवलपिंग सेफ्टी कल्चर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है नोकोकूली कोई केरला का है जो बता सकता है ये क्या होता है नोकोकूली नोकोकूली होता है वो लोग जो खुद काम नहीं करते दूसरों को काम करते हुए देखते हैं और उस पर पैसा मांगते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आपकी जान पहचान के होंगे जो खुद काम नहीं करते दूसरे जो काम कर रहे होते हैं उनको सुपरविजन का काम करते तो एक नया लेजिस्लेशन आया है ड्राफ्ट प्रपोजल आया है केरला हेडलोड वर्कर्स एक्ट ऑफ 1978 को अमेंड करने के लिए जिसमें दो साल सजा होगी एंड फाइन होगा एक लाख का अगर किसी ने डिमांड किया नोको कोली जिसको गोकिंग फी बोलते हैं गोकिंग मतलब ताड़ना ताड़ने वाली फीस बोलते हैं इसको तो ये क्या होता है ये केरला में और आसपास बड़ा कॉमन है कि लोग या तो खुद काम करेंगे या फिर अपने ग्रुप के लोगों से काम करवाते हैं और इसका पैसा चार्ज करते हैं कि उनके लोग काम कर रहे हैं तो इनका ताड़ने के लिए फीस मांगते हैं उसमें नया जो बिल आ रहा है उसमें ये बोल रहे हैं कि अब इनको फाइन लगेगा तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेजमेंट फॉर वर्कर्स ओवर सीइंग द वर्क ऑफ फेलो वर्कर्स कि इनके साथ जो है काम कर रहा होगा ठीक है तो उसको सिर्फ ताड़ने का काम करते हैं और उसके लिए पैसे डिमांड करते हैं बाकी लोग काम करेंगे इनके जो है वोझा उठाएंगे लोझा वो उठाएंगे इनका काम कुछ नहीं खड़े होकर सिर्फ सुट्टा मारना और बातचीत करना और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड रही है

फ्रॉम द वर्ड कूली जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो ताड़ने के भी पैसे मिलते सोचो सोचा था आपने आज तक कभी सुपरवाइजरी करने के पैसे मिलते हैं आप तो फर्थ तो सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी टू को लॉन्च किया गया टू तो कवर हंड्रेड परसेंट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉलर सिटीज एक सेकंड में आया इसको पढ़ो। अप्रेजल मिलता है ज्यादा ताड़ने पे, इसमें अप्रेजल आदित्य कैसे मिलता है इसमें ज्यादा ताड़ने पे अप्रेजल मिलता है नोकोकूली में ठेकेदार तो चलो आदमी है मतलब ठेकेदार तो ये है कि वो पूरा सारी चीजें लेके आ रहे हैं ना यहाँ पे तो क्या है कि आ, बस बात कर लिया आपस में और डिसाइड कर लिए चलो मैं तुम्हारा काम ओवरव्यू करूंगा तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा होता था, था। ठीक है स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी टू है एम्स टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्मॉलर सिटीज बाय इंट्रोड्यूसिंग टू पॉपुलेशन कैटेगरी पंद्रह हज़ार कम और पंद्रह हजार से पच्चीस हजार प्रायरिटी दिया जाएगा टू सीनियर सिटीजन एंड अडल्स लाइक विल बी गिवन द सर्वे डिस्ट्रिक्ट रैकिंग्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम टू फर्दर राइ राइड इन दी सर्वेक्षण फुटप्रिंट ताकि इसको और थोड़ा इंप्रूव किया जाए नोशन है पीपल फर्स्ट एज दी ड्राइविंग फिलोसफी बाकी डिफेंस एक्विजिशन जो है प्रोसीजर के लिए नॉट मिल चुका है अप्रूवल टू फोर प्रोजेक्ट्स अंडर मेक वन गवर्नमेंट फंडेड एंड फाइव अंडर मेक टू इंडस्ट्री फंडेड प्रोजेक्ट्स तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसको uh, आप देखोगे अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं उसको बाय द कमेटी जो रक्षा मंत्री के अंदर में रहती है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ए वी ओ आई पी प्रोटोकॉल्स राउटर स्विचेस एयरबॉर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉट्स और काफ़ी सारी जो है कटिंग एच टेक्नोलॉजी के ऊपर नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको सैंक्शन किया गया है This is the first time since the launch of the industry-friendly DAP Dequan's Defense Acquisition Policy 2020 that is made, the Indian industry has been involved in developing big ticket platforms. Army's project include integrated surveillance targeted systems for mechanized forces and autonomous combat vehicles. Baki uh, YouTube has contributed 6800 crores to the Indian economy in 2020 ocho, and generated more than 6.83 lakh full-time employment jobs. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स दो हजार इक्कीस का सर्वे है इसमें पाएगा सिक्सटी एट हंड्रेड करोड़ जनरेट किया इंडिया ने अल मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवन्यू एडवर्टीजमेंट में जलिए नंबर ऑफ चैनल्स इन इंडिया हैविंग मोर देन वन लैक सब्सक्राइबर इज नाउ एट फोर्टी थाउजेंड मेकिंग ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ फोर्टी फाइव परसेंट ईयर ऑन ईयर विद्बर ऑफ चैनल अर्निंग इन एटलीस्ट वन लैक इन रेवन्यू इज इनक्रीज सिक्सटी परसेंट ईयर ऑन ईयर इसलिए ना यू नो वाई अटॉट ऑफ आई एस ऑफिस एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक देर ओन चैनल बाकी यूएन एनवायरनमेंट मीट हुई उसमें 175 नेशंस हैव नेशन टू अग्री टू मैंडेट मैडेट दब यूज ऑफ प्लास्टिक कल इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब वहां पे गए हुए थे एट द इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमिटी विल नाउ बी टास्क विद ड्राफ्टिंग एंड रेटिफाइंग द मैंडेट ओवर द नेक्स्ट ईयर तो ग्लोबल प्लास्टिक स्ट्रीटी अडियरिंग टू द ब्लू प्रिंट डेड आउट मैंडेट वि जॉइन दॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल एंड द प्रायर क्लाइमेट अग्रीमेंट एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल लॉज इन वर्ल्ड हिस्ट्री तो जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वैसे ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी भी जब अभी इन्फोर्स हो जाएगी तो ये भी वन ऑफ दोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेसिकली आपका सिलेबस बढ़ गया है ठीक है और आपको एक और ट्रीटी याद रखनी पड़ेगी एक और प्रोटोकॉल याद करना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू द मैंडेट दिस ट्रीटी विल टैकल द होल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक एंड नॉट जस्ट दी पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल को कर्व करने की कोशिश की द मैंडेट रिकमेंड्स मेजर टू टैकल प्लास्टिक प्रोडक्शन विच ऑज ऑफ नाउ इज रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक इन द इनवायरमेंट एंड एयर एग्रीकल्चर लैंड एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सब आपका देखा जाएगा एंड टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द प्लास्टिक है्यूमन बॉडी थ्रू अ वेरायटी ऑफ रूट्स हॉजिंग इन फर्टिलिटी एंड मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन ठीक है बाकी... आपने देखा होगा रशिया में बार बार न्यूज़ आ रही है रशिया यूक्रेन की लड़ाई में कि वाटर क्लस्टर बॉम्ब एंड थर्मोबारिक वेपन थर्मोबारिक के ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाया है बट क्लस्टर तो बॉम्ब्स और थर्मोबारिक के बीच में मैं आज आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्होंने बोला कि यू जो रशिया है यूक्रेन में क्लस्टर बॉम्ब एंड थर्मोबारिक जो है दोनों को यूज़ कर रहा है तो ये कैसे काम करता है जरा मैं आपको क्लस्टर बॉम्ब के बारे में बताता हूँ क्लस्टर बॉम्ब एज द नेम सजेस्ट क्लस्टर है बहुत सारे इसके अंदर छोटे 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 बॉम्ब होते हैं तो ये जनरली एयर ड्रॉप्ट होते हैं ऐसे एक सिंगल इनकेसिंग होती है जिसके अंदर ये छोटे छोटे मल्टीपल बॉम्ब होते हैं छोटे से और वो बीच हवा में खुल जाता है तो काफ़ी वहां पे थोड़ा स्प्रेड आउट रहता है इसका एक्सप्लोजन ये कैनिस्टर रहता है ये ओपन हो जाता है मिड एयर में एंड सेवरल हंड्रेड जो छोटे छोटे सब म्यूनिशन इनको बोलते हैं सब म्यूनिशन मीन छोटे छोटे म्यूनिश एंड दे कैरी डिफरेंट डिफरेंट साइज के एंड दे जनरली डिस्पर्सड एक्सप्लोजन होता है उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता डिस्पर्स होता है थोड़ा दूर दूर तक फैला रहता है तो ये क्लस्टर वीडियो क्लस्टर बॉम्ब होते हैं एंड दे पोज अ कंटिन्यूस थ्रेट बिकॉज दूर दूर तक जाके गिरते हैं थर्मोबारिक ऑन दी अदर हैंड हैज टू एक्सप्लोशन जो कि सबसे मेन वेपन है रशिया का इसमें क्या होता है कि जैसे ये टी सेवेंटी जो मेन बैटल टैंक है इसमें से ये फायर होता है ये पहला क्या करता है पहले जाके मेन एक्सप्लोजन होगा ठीक है सो थर्मोबारिक मिसाइल जो होती है वो पहले फायर होती है तो उसमें पहले एक एक्सप्लोजन होता है और वो क्या होता है जनरी छोटा एक्सप्लोजन होता है उसके बाद एक सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है दैट इग्नाइट्स दिस स्प्रेडिंग क्लाउड ऑफ ऑक्सीजन एंड केमिकल जनरेटिंग हीट एंड ब्लास्ट वेव दैट कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स एंड शेल्टर तो पहला जो एक्सप्लोजन होता है उसमें केमिकल रिलीज होते हैं और उसके बाद वो केमिकल दोबारा इग्नाइट होते हैं तो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है और आसपास की जितनी हवा है उसको सक कर लेता है वो बर्न होने के लिए ये डेडली इसलिए होता है बिकॉज नाउ यू हैव शार्प यू नो यू हैव ऑल दीज केमिकल्स इनहेलिंग इन योर लंग्स ठीक है सारा ये ऑक्सीजन खींच लेता है तो यू विल बी सफोकेटेड एंड देन ये जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन होता है ये सबसे बड़ा होता है जो बिल्डिंग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है तो दिस इज हाउ अ थर्मोबारिक वेपन जनरली एक्ट्स और थर्मोबारिक वेपन में जनरली क्या होता है कि वो uh, उसका जो जो ड्यूरेशन uh, होता है काफी लंबा होता है जो उसका जो एक्सप्लोजन होता है तो so, ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने रशिया में यूज किया रशिया ने बेसिकली उसको यूक्रेन में यूज किया बट अभी कितना है वो पता नहीं क्लस्टर बॉम्ब तो यूज हुए हैं बट आ, अभी ये थर्मोबारिक वेपन कितना यूज हुआ उसके बारे में भी कोई यू नो कंफर्मेशन नहीं है तो दैट्स इट ज्यादा न्यूज है नहीं आज चलिए फटाफट फ़ड़ जल्दी से करते हैं प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन पीएम एम केयर्स फंड के बारे में इट इज फ्रॉम स्क्रूटनी एंड मॉनिटरिंग ऑफ ऑल फॉरन डोनेशन fund is audited by the CAG and the fund is not a public authority under Right to Information Act 2005 तो द करेक्ट आंसर इज सी ठीक है अब देखो ऑब्वियस ही बात है ऑडिट तो हुआ ही नहीं इसमें ऑडिट तो सी ए जी का कर ही रहे हो आप इट इज ऑडिटेड बाई अ प्राइवेट पार्टीड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक अथॉरिटी तो नहीं है आपको पता है इसीलिए सी ए जी ऑडिट नहीं कर रहा है ओके लास्ट क्वेश्चन फर टुडे इज द स्कीम फॉर नेशनल असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मेन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल टीम्स और वन एंड टू बोथ और नन। कर्मा स्विस सिस्टम बेसिकली मैसेजिंग सिस्टम होता है इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए यूज होता है वो इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज बी ओनली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं हंड्रेड परसेंट फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है ठीक है दैट सेट फोर टूडे बाकी जैसा मैंने बताया दिस कॉम्बो ऑफर इज गोइंग ऑन ट्वेंटी टू परसेंट इज ऑलरेडी ऑफ प्लस टेन परसेंट ऑन डीपीएस पी लाइफ फॉर सब्सक्रिप्शन बहुत सारे नए कोर्सेज आने वाले हैं मेरा कोर टॉपिक्स का कोर्स लॉन्च होगा इस मंथ में तो अभी ऑफर है यू नो क्विकली ज्वाइन दिस कोर्सेज एंड एस सीरीज के लिए भी सेम चीज अवेलेबल है फिफ्थ ऑफ तो मार्च से मोर देन थर्टी थ्री मोर देन थ्री थाउजेंड स्टूडेंट्स है ऑलरेडी इनरोल्ड you know, बाकी तो कैन न्यू बैच एज अस्टार्टिंग सो यू कैन ज्वाइन दो आई आर का एक नया बैच चालू होगा फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ मार्च थैंक यू सो मच अल सी योग शाम को मिलेंगे स्पेशल क्लास के लिए साढ़े आठ बजे इंडियन पॉलिटी करंट अफेयर उस मतलब बेसिकली पॉलिटी के जितने करंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे बिकॉज प्रिलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन करंट इशूज बेस्ड आ रहे हैं